साल की महिला को पेसमेकर लगाया गया। शहर के मशहूर अस्पताल में करतार कौर सांगा नामक इस महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और इसके बाद पेसमेकर लगाया गया। ऑपरेशन के बाद करतार कौर पूरी तरह स्वस्थ और खुश हैं। इतनी उम्र की महिला का ऑपरेशन, उनको पेसमेकर लगाना एक रिकॉर्ड है। इसे अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक 107 साल उम्र के मरीज को पेसमेकर लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंदर सिंह कुका ने बताया कि एक डॉक्टर के लिए सभी मरीज खास होते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं SPS हॉस्पिटल्स के काफी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट मिस्टर रविंदर सिंह से, और चलिए उनसे ही शेयर करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो अचीवमेंट एक किया है उसके बारे में वो खुद आपसे शेयर करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम जो आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो हम चाहते हैं व्यूवर्स को आप खुद ही शेयर कीजिए उसके बारे में। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ऑन 28 फरवरी हमने एक 118 साल के माता जी के परमानेंट पेसमेकर लगाया है, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब जो प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 107 साल पे पेसमेकर लगाने का है, और इंडियन रिकॉर्ड 105 साल पे जो कि SGPGA लखनऊ में लगा हुआ है। तो 24 फरवरी को मुझे शाम को एक फ़ोन आया फिरोजपुर से डॉक्टर साहब का कि पेशेंट हमारे पास एक माता जी हैं जिनका हार्ट रेट 20 है। उन्होंने ECG मेरे साथ शेयर करा, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इसमें तो परमानेंट पेसमेकर लगना चाहिए, आप फटाफट पेशेंट को इधर भेज दीजिए। लेकिन जब उन्होंने पेशेंट की एज बताई कि 120 साल से ज़्यादा है, तो मैं आई वॉज टेकन अबैक कि इतनी एज पे पेसमेकर करना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और उसको पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, हीलिंग होती है कि नहीं, वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। बट उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ईगर हैं कि माता जी की उम्र जैसे भी बढ़ा सकें हम, तो माता जी को बचाना चाहिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर के साथ पेशेंट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो रात 9 बजे करीब संडे को उस दिन पेशेंट हमारे पास पहुँचा, तो पेशेंट बेहोश था, BP बहुत कम था, हार्ट रेट 30 था उस टाइम पर। हमने फटाफट माता जी के टेम्प्रेरी पेसमेकर डाला, और टेम्प्रेरी पेसमेकर डालने के बाद तुरंत उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और हार्ट रेट भी 60-70 आ गया, और 24 घंटे के अंदर माताजी खुद से बोलने, बातें करने और खाने पीने लग गई। तो जो हमारे लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग साइन था कि माताजी का ब्रेन और बाकी सब ऑर्गन्स ठीक हैं, सिर्फ पल्स रेट जो कम है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। Didn't you feel nervous after accepting that challenge? मैम, चैलेंज तो था, बट अब इट इज़ समथिंग, अगर आपको करना है तो करना है। यू हैव अ पेशेंट जिसका हार्ट रेट 20-30 है, अगर आप पेसमेकर नहीं डालते उस टाइम पे, तो माताजी अगले 1-2 घंटे में शायद ना बच पाते। तो इट वाज समथिंग आई हैड एक्सप्लेन द रिस्क टू द फैमिली, इनकी इतनी बड़ी फैमिली है और सारे इतने माता जी को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर 10% चांस भी है माता जी के बचने के, यू शुड डू। तो हमने टेम्प्रेरी पेसमेकर डाला, फिर 3-4 दिन जब फैमिली को भी अच्छा लगा कि माता जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वी हैव गॉट आर ग्रेट ग्रैंड मदर बैक, तो फिर 28 फरवरी को हमने परमानेंट पेसमेकर सुबह डाला इनके। 1 घंटे का प्रोसीजर रहा, हमारी कार्डिक एनेस्थीजिया टीम ने बड़ा उसको एबली हैंडल किया, माताजी को बहुत ही मिनिमल एनेस्थीजिया दिया, और दोपहर तक माताजी फिर बातें करने लग गई, होश में आ गई थी। तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहा होगा जब आपने देखा कि इतना सक्सेसफुली उनका ऑपरेट हो गया? मैम, एक तरह से बहुत मैं कहूँगा कि रीएश्योरिंग भी था, और कहते हैं ना कि चैन की सांस ली मैंने, और साथ ही मैंने फिर डेटा भी देखना शुरू करा कि पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो देन आई केम टू नो कि इंडियन रिकॉर्ड 105 साल का है और जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड है वो 107 साल का है। सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही है। फिर हमने माता जी के डॉक्यूमेंट्स कुछ मंगवाए कि एज को सर्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट के वो कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, दे डू नॉट टेक एज मोर देन 100 ईयर्स, उसमें रजिस्टर नहीं हो पाती है। तो फिर हमें पता चला कि माता जी के जो छोटे ब्रदर थे, जिनके बच्चे बेटे अभी ज़िंदा हैं, वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो उनका डिस्चार्ज कार्ड हमारे पास है जो उनकी रिटायरमेंट पे ब्रिटिश आर्मी ने उनको दिया है। तो 1945 में उनकी उम्र 42 साल थी, इनके छोटे भाई की, और उनके बेटे ने कहा कि मेरे बुआ जी मेरे फादर से 2 साल बड़े हैं,
तो माता जी की उम्र इस हिसाब से 1901 का जन्म मिला के तो 118 साल बनती है। तो वी हैव बीटन द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 11 इयर्स। तो और कुछ और हमने माता जी का जो चार बच्चे थे उसमें से पहले दो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है हमारे बीच, और जो थर्ड नंबर पे बेटी है वो जिंदा हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई रही हैं एंड शी इज़ अ पेंशनर फ्रॉम दैट साइड। और इनके जो सबसे छोटे बेटे हैं वो लुधियाना से ही टेलीफोन डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर रिटायर हुए हैं एंड ही इज़ ऑल्सो 85 प्लस, और बेटी हैं जो वो 90 प्लस हैं। तो इससे भी हमें इनकी एज का अंदाज़ा लग जाता है। और फिर इनकी माता जी की कुछ वीडियोज़ हैं जो इनकी पोते की पोती के साथ हैं, वो भी अभी तीन चार साल की हो चुकी है। सो आई वॉज प्रिटी श्योर दैट नाउ वी हैव लॉट ऑफ कोरोबरेटिंग एविडेंस एंड देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर एम वॉज टू गेट माता जी ऑल हेल्दी, कि ठीक ठाक हो जाएं। उसके बाद फिर डेफिनेटली वी वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर रिकॉर्ड्स एंड ऑल, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड्स के अनुसार चलूँ तो आई थिंक माता जी का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस टाइम पे, क्योंकि दुनिया में जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एज वाला अलाइव पेशेंट पर्सन है, हेल्दी पर्सन, दैट इज़ अराउंड 117, और माता जी की 118 साल बनती है जो कि रिकॉर्ड्स के अनुसार है, जो कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार है। और हम सब लोग जानते हैं कि उन ज़मानों में हर कोई अपनी उम्र छोटी लिखवाता था, तो हो सकता है माता जी 125 साल की हों, बट वी हैव एन एविडेंस ऑफ 118 ईयर्स। सो वी हैव टाइप ऑफ स्पेशल केयर यू आर प्रोवाइडिंग मैम इस टाइम पे? एक्चुअली 100 साल के ऊपर पेशेंट्स के लंग्स की रिजर्व और हार्ट की रिजर्व बहुत कम हो जाती है। माता जी के कुछ वॉल्स लीक करते थे, तो वीवर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केयर ये होती है कि प्रोसीजर जितना ब्रीफ हो, छोटा हो, जल्दी जल्दी करके अपना नीटली बाहर आ जाना चाहिए, बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर्स इस एज में पेशेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड यू और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप क्लेनलीनेस के साथ करें, कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। एंड वी हैड आर अप्स एंड डाउन्स, बट क्योंकि अब आज 11वां दिन है माता जी का हमारे साथ, सो देवर डेज हमें लगता था कि माता जी डाउन ना जा रही हो, लेकिन फॉर द लास्ट 7 डेज वी आर आफ्टर द पेसमेकर, हमारी उम्मीद डेली बढ़ती ही गई है कि वी विल बी एबल टू डिस्चार्ज हर, एंड आई एम सीरियसली विशिंग दैट शी लिव्स फॉर मैनी मोर ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू ब्रेक मैनी मोर रिकॉर्ड्स एंड माई गुड विशेज। एंड वी वॉन्ट टू टेल यू ऑन बिहाफ ऑफ हर, जैसे इतनी विल पावर इस एज में रखी, उन्होंने ऑपरेट करवाया, स्टिल शी इज़ हैविंग विल पावर। तो हम चाहते हैं कि आप जो अपनी छोटी छोटी एज में हम लोग अपनी विल पावर खो देते हैं, कुछ भी हम लोग नॉर्मली कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो हॉस्पिटलाइज होने से भी डरते हैं लोग, तो वी वॉन्ट ही आप उनको मैसेज दीजिए कि स्टिल अपनी विल पावर को कभी लूज ना करें, और जैसे हमने देखा कि वो हमारे सामने ही है इस टाइम, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। अगर वो चिंगारी को उसी टाइम बुझा दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी आग में नहीं तब्दील होती। एंड द अदर थिंग जो कि आज के स्ट्रेस के रिलेटेड मैं बोलूँगा कि बुरा वक्त अच्छा वक्त चाहे जिस तरह का भी वक्त हो, जैसे सयाने लोग कहते हैं ना कि ये भी गुजर जाएगा, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो रैदर देन स्ट्रेसिंग ऑन इट आप अपना नींद चैन खो उसके ऊपर, कि वो वक्त भी निकल ही जाना है। और कोई भी मुसीबत आती है तो वी शुड एटलीस्ट, अगर हम खुद ही गिर जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुदृढ़ करना होता है कि उस मुसीबत का मुकाबला किया जाए, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है या फैमिली रिलेटेड। Thank you so much, sir, for giving us your precious time and congratulations again. You make our India proud, totally proud. Thank you so much once again. तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ SPS Hospitals लुधियाना के कार्डियोलॉजिस्ट, जिनका अब नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, जिन्होंने 118 ईयर्स ओल्ड लेडी का ऑपरेट करके उन्होंने फिर से उन्हें एक जिंदगी जीने के लिए दोबारा से दी है। तो होपफुली आप सबको भी एक मैसेज उन्होंने दिया है जो वो आप तक पहुँचेगा, कि कभी भी अपनी हेल्थ इशू से
रिलेटेड कोई केयरलेस मत कीजिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा परसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।